ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात प्रदेश के सिरोही जिले की करते हैं, जहां पर छिबागाम निवासी शहीद भंवर सिंह राठौर जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 22 जुलाई 2008 को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन शहीद की प्रतिमा लगाने, सड़क और विद्यालय का नामकरण जैसे आश्वासन जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए जाने के बावजूद आज तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए सरकारी उपेक्षा का शिकार होने से विरोध स्वरूप वीरांगना और उनका पूरा परिवार कुछ सालों से राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रमों तक में शिरकत नहीं करता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहीद भंवर सिंह अपने घर वालों से दूर जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 22 जुलाई 2008 को वीरगति को प्राप्त हो गया था। परिजनों के अनुसार शहीद की प्रतिमा लगाने, सड़क और विद्यालय का नामकरण जैसे कितने ही आश्वासन दे दिए गए थे, इनके प्रस्ताव भी लिए गए, लेकिन आज तक कोई ठोस काम हुआ ही नहीं। राष्ट्रीय पर्व भी अब उनके परिवार में उल्लास नहीं भरते। शहादत के 7 बरस बाद भी शहीद को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला है। गांव में जिस स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किया गया था, उस स्कूल को भी एकीकरण के दौरान अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद से ही ये नाम भी हट गया। शहीद के सम्मान में स्मारक, सर्किल और सड़क का भी नामकरण करना था, लेकिन इसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। शहीद की वीरांगना और उनके परिवार को आज भी उम्मीद है कि शहीद स्मारक बनेगा, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। सरकारी उपेक्षा का शिकार होने से विरोध स्वरूप वीरांगना और उनका परिवार कुछ सालों से राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रमों तक में शिरकत नहीं करते हैं। जो विद्यालय वर्तमान में सीनियर स्कूल मर्ज प्राथमिक विद्यालय, वहाँ गाँव के बाहर संचालित था, संबंधित शहीद के अभिभावकों द्वारा राज्य सरकार को इसके बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ठीक है साहब, स्मारक बनाना कब बोला था तो वो भी नहीं बना अभी तक। यह जो अटवाड़ा राजस्थान नेशनल हाईवे से अटवाड़ा तक सब किया था और 5 देवल तक, वो भी अभी तक नहीं हुआ। सब मांग की, सब वसुंधरा तक से मांग की है, ओटाराम जी से मांग की है, कलेक्टर से भी मांग की हुई है, सब से यहाँ से की हुई सब। शहीद का परिवार मांगों को लेकर बीते 7 सालों में उपखंड से लेकर राज्य स्तर तक कागज पेश कर चुका है। इसकी मोटी फाइल तैयार हो चुकी है, लेकिन दफ्तरों में पड़ी इस फाइल पर जमी गर्द कब हटेगी कहना मुश्किल है। 13 दिसंबर 2015 को राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने पर वीरांगना ने जिला प्रभारी मंत्री को भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने उस समय कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक देखिए ना, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिला कलेक्टर ने भी स्मारक बनाने की बात कही थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय को उनको कहा था, कहते बड़ी स्कूल पे देंगे, और बड़ी स्कूल पे देने के तो कई रह गया, वो छोटी स्कूल पे था वो भी वो उन्होंने बंद कर दिया, वो नाम वो स्कूल ही बंद कर दी। इसके बाद में हमने वापस जिला परिषद के अंदर भी प्रस्ताव ग्राम पंचायत से भी भेजे, और रोड के लिए भी हमने 3-4 बार विधायक साहब से भी मिले, ओटाराम जी से, तो ये है प्रपोजल बना के भेज रहे प्रपोजल, लेकिन ना तो कोई सड़क बनी है, ना से वो स्मारक बना आज दिन तक, और ना स्कूल पर नाम था वो भी बंद हो गया। सब शहीद के नाम पे कोई नहीं है, सब खाली वोटों के अंदर आते हैं तब ये सब घोषणा कर करके जाते हैं, ये हम वो करवाएंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि शहीद भंवर सिंह की शहादत को सम्मान मिलता भी है या फिर नहीं, और यदि मिलता है तो कब तक। फर्स्ट इंडिया के लिए सिरोही से गणपत सिंह मांडोली की रिपोर्ट। तो तस्वीरें हमने आपको सिरोही की दिखाई, जहां पर उस स्कूल को भी दिखाया, लेकिन उसे अब मर्ज कर दिया गया है। वहीं विधायक साहब ओटाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ओटाराम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी, गणतंत्र दिवस की आपके हार्दिक बधाई हो। आपको भी, आपको भी, आपको भी। और राम जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम होता है या फिर 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होता है, वीरांगनाएं आती हैं शहीद की, लेकिन अगर उनमें से कोई अगर परिवार नहीं आता, उसकी खबर आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है? नहीं, उसमें ये जी मुझे जैसे खबर मिली जी,
और खबर मिलते ही मैंने आज वो प्रशासन के साथ में इसी तरह से उनकी बात की रखी जी, और रख करके कहा कि एक तो पंचदेवल से लगा करके मेन हाईवे तक रोड बनानी है जी, तो वो शहीद भवर सिंह के नाम से अब वो रोड बन जाए जी, और दूसरा ये था कि भाई स्कूल का नामकरण, जिस स्कूल का नामकरण किया गया था शहीद भवर सिंह के नाम जी, उसे मर्ज कर दिया गया, उसका मर्ज करके एकीकरण किया गया जी। तो मैंने प्रशासन को कहा कि अगर मर्ज किया तो उस बिल्डिंग पे नाम लगाओ जहां मर्ज की जी, अगर उस बिल्डिंग पे शहीद भवर सिंह का नाम से अगर मर्ज की है जी, तो जिस बिल्डिंग में उसको मर्ज किया उस बिल्डिंग पे शहीद भवर सिंह का नाम लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि इसे करना भी चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन जैसा कि परिवार वालों का कहना है कि एक साल जब पूरा हुआ था सरकार का, तो वो मिले थे अधिकारियों से, मिले थे बड़े बड़े नेताओं से मिले थे, और आश्वासन दिया गया था कि आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन दो साल हो गए यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आपका नहीं, नाम वो लेते हैं, कहते हैं कि हम लगातार विधायक साहब से गुहार लगाते हैं, लेकिन वो कुछ करते मैंने, नहीं। मैंने शहीद भवर सिंह की स्मृति में जो उसकी मूर्ति लगी हुई है जी, भवर सिंह जी की, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, और मैंने खुद MLA फंड से वहाँ एक बहुत बड़ा बैठने के लिए हॉल बनाया है जी, मैंने खुद ने पैसे दिए थे जी, आज दिन तक इस कारण से मैंने अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं किया है जी, और इसीलिए नहीं किया कि शहीद के नाम की जब सड़क बन जाएगी जी, स्कूल का नाम उसके ऊपर लग कितना वक्त यहाँ पर लगेगा, क्योंकि उम्मीद उनको तो अभी भी बनी हुई है। देखो मेरा ये कहना है कि मैंने कहा है कि जो उनका रेजिडेंस है, जो वो जिस पे वो रहते हैं, मेरी इच्छा है कि अगर उसी रोड को बना करके शहीद भवर सिंह के नाम से, अभी मेरे पास में मेरे सब कार्यकर्ता भी बैठे हैं जी, एक घंटे पहले ही मैंने इसकी पूरी डिस्कशन चर्चा की है। अच्छा, तो और मैं, मेरी खुद की कोशिश है कि इसको किसी भी तरह से मैं इस रोड, राम जी, तो क्या आप यहाँ पर आश्वासन हमें देते हैं फर्स्ट इंडिया पे कि आप पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि अगले साल जब इस तरीके के कार्यक्रम हो तो वो समारोह में जरूर शामिल हो और खुशी के साथ हो कि हाँ सरकार ने हमारा साथ यहाँ पर दिया है? नहीं नहीं, मैं खुद, देखो पहले भी मैं MLA था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मेरे मन में एक इच्छा थी। तो आप आश्वासन देते हैं या फिर नहीं देते? हम तो सिर्फ सीधा सा सवाल आपसे कर रहे हैं, आप तो अभी भी बात को घुमा रहे हैं। मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ कि मुझे भले मिसिंग लिंक में रोड मिली तो भी ये 3 किलोमीटर रोड मैं बना के जी, कितना समय लग जाएगा? अब एक साल में मार्च के बाद में जो मिसिंग लिंक मिलेगी उसमें मैं बना दूंगा इस रोड जी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को जल्द से जल्द करेंगे। बारे में ये है कि स्कूल का नामकरण जिस जगह से वो मर्ज हुई है जी, मैं प्रशासन से बात करके तुरंत उसका नाम वहां से वहां शिफ्ट करवा दूंगा। चलिए, आपने कहा कि आप शहीद का बहुत ही सम्मान करते हैं और इस काम को आप जल्द ही गति देंगे, और यही इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया आपका बहुत बहुत फर्स्ट इंडिया पर बातचीत करने के लिए और आश्वासन यहां पर देने के लिए। ऑटोराम देवासी जो कि प्रभारी मंत्री है वहां पर विधायक साहब है, उनका ये कहना है कि लगातार मेरे पास ये खबरें मिली है और अभी भी मैं डिस्कशन कर रहा था, उम्मीद यही की जाएगी कि ये जो शहीद के जो परिवार है, जो वीरांगना है, जो अब कार्यक्रम में पहुंचने तक नहीं है क्योंकि उनका दर्द जो है कोई नहीं सुनता है, अब इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल वो कार्यक्रम में आएंगी और सरकार को धन्यवाद देंगी।